डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स। अब मशीन डिजाइन का मतलब क्या है? मशीन डिजाइन दैट मीन्स कि वी हैव टू डिजाइन द कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन, क्योंकि मशीन जो है अपने आप में कुछ नहीं होता है। जैसे शरीर अपने आप में कुछ नहीं है, शरीर के सारे अंग मिल करके ही शरीर बनते हैं। यदि हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज में स्टूडेंट हो ही नहीं तो फिर कॉलेज का मतलब क्या है? तो कॉलेज में स्टूडेंट्स, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिल करके एक कॉलेज कहलाता है। ठीक उसी तरह से मशीन पार्ट्स मिल करके क्या कहलाता है? मशीन डिजाइन एंड मशीन विच इज यूज टू रिड्यूस द मैनुअल वर्क, और भी कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिक, ठीक ना, असेंबली ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द वन टाइप ऑफ वर्क इनटू अनदर टाइप ऑफ वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग मशीन में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि मशीन जो पार्ट्स हैं, चाहे किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी जो है आइटम्स का नाम ले लें, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो जब मशीन पार्ट्स की हम जब बात करते हैं तो बहुत तरह के स्ट्रेस उसके अंदर जनरेट होते हैं, बहुत तरह के फोर्स लगते हैं, बहुत तरह की एनर्जी होती है, ठीक ना। इन सब को यदि हम इन नट सेल कन्वर्ट करना चाहें तो कुछ सिंपल स्ट्रेसेस हैं जो आपको जो है ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में या किसी न किसी पार्ट्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला यदि हम बात करें तो एक तो कि हमारा मशीन का काम ही है, मशीन पार्ट्स का, कि टू ट्रांसमिट द एनर्जी, एनर्जी ट्रांसमिशन, चाहे वो क्रैंक शाफ्ट हो, ठीक ना, या बेल्ट हो, या गियर हो, ठीक ना, इनका काम क्या है? पावर ट्रांसमिट करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मास ऑफ द मशीन या वेट ऑफ द पार्ट्स, वेट ऑफ पार्ट्स। दूसरा चीज है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल जो है एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी विच इज ऑलवेज ए रेजिस्टेंस इन विच अपोजेज द मोशन। इनर्सिया, इनर्सिया आल्सो प्ले ए की रोल, ठीक है ना। टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर, विद द चेंज इन टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ द मशीन चेंजेज, ठीक ना। बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग, बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग, ठीक ना। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स दैट वी हैव टू जो है कंसंट्रेट इन मशीन डिजाइन। बट टुडे वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द सिंपल स्ट्रेसेस, सिंपल स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस जो है कितने तरह के होते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और उसके बाद जो है आगे बढ़ूंगा। जनरली हमने स्ट्रेस को तीन कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला होता है सिंपल स्ट्रेस, किसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रेस। अब सिंपल स्ट्रेस की बात करें तो जो आप टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक ना, यदि आप बात करें टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर लें, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर लें, या शियर स्ट्रेस की बात कर लें, बियरिंग स्ट्रेस की बात कर लें, आप बियरिंग स्ट्रेस की बात कर लें, थर्मल स्ट्रेस की बात कर लें, ठीक ना, किसकी बात कर लें, थर्मल स्ट्रेस की बात कर लें आप, इम्पैक्ट स्ट्रेस की बात कर लें, ठीक ना, इम्पैक्ट स्ट्रेस की बात कर लें, ठीक ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात कर लें, ठीक ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करें, तो दीज आर दी टाइप ऑफ द सिंपल स्ट्रेस। दूसरा जो टाइप होता है ये होता है हमारा, इसमें सिर्फ दो हम बात करेंगे, एक टोर्सनल की, टोर्सनल की, और दूसरा बेंडिंग की, और तीसरा कंबाइंड दोनों, ठीक ना, टोर्सनल, टोर्सनल प्लस बेंडिंग, ठीक ना। ये बोलिएगा सर ये दोनों कहाँ होता है, तो ये दोनों भी आपको हम बताएंगे। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन है वेरिएबल स्ट्रेस की, किसकी, वेरिएबल स्ट्रेस। वेरिएबल स्ट्रेस में मेनली फटिग स्ट्रेस की बात करेंगे, फटिग स्ट्रेस, रिपीटिंग स्ट्रेस, साइक्लिक स्ट्रेस, दीज आर दी टाइप ऑफ दी वेरिएबल स्ट्रेस।
तो हमने पूरे स्ट्रेस को, ठीक ना, हमने पूरे स्ट्रेस को तीन कैटेगरी में बांट दिया कि स्ट्रेस तीन कैटेगरी का हो गया, सिंपल स्ट्रेस, ठीक ना, उसके बाद टोर्सनल एंड बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा हो गया वेरिएबल स्ट्रेस। तो आज हम लोग वेरिएबल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, टोर्सनल एंड बेंडिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम सिंपल समझा दें। टोर्सनल मतलब क्या, जहाँ पर ट्विस्टिंग है, जैसे कोई साफ्ट है आपका, ठीक ना, ये जो है आपका साफ्ट है, ठीक ना, इसके ऊपर यदि आप ट्विस्टिंग मोमेंट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, टोर्सनल। लेकिन इसी के ऊपर आप एक लोड लगा देते हैं, ये क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग। और हो सकता है कि दोनों चीज हो रहा हो इसके ऊपर, ऐसे बहुत सारे साफ्ट हैं जिसके ऊपर आपका बेंडिंग भी लगेगा और टोर्सनल भी लगेगा। अच्छा, वेरिएबल स्ट्रेस क्या होता है, विच इज वेरिंग विद द टाइम, दैट मीन्स कभी जो है मैक्सिमम स्ट्रेस लगेगा, कभी मिनिमम लगेगा। जैसे कोई ब्रिज है, तो जिस समय ट्रेन जा रही है ब्रिज के ऊपर से, उस समय सबसे ज्यादा लोड लगेगा, ठीक है ना। कभी नहीं जा रही है ब्रिज पे ट्रेन, तो क्या होगा, मिनिमम स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो ये जो है, अब आज जो हम लेक्चर में, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, लगभग एक घंटे का होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल स्ट्रेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे, और आज के वीडियो में ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक है, करते हैं शुरुआत। तो बिल्कुल सर, कर दीजिए। तो अब आप समझ गए कि सिंपल स्ट्रेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिंपल स्ट्रेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हमने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये हमने आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है ना, तो लोड स्ट्रेस जो है डिफाइन होता है कि लोड पर यूनिट एरिया। अब ये लोड पर यूनिट एरिया क्या है, तो अब कहने का मतलब है कि हम पहले लोड समझ जाए, ठीक है ना। तो एनी एक्सटर्नल जो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए मशीन पार्ट इज कॉल्ड लोड, ठीक है ना। अब जैसे ये कोई मशीन पार्ट है, ठीक है ना, सिंपल सा मशीन पार्ट है, इसके ऊपर आप कोई लोड लगा रहे हैं, क्या, पी, ठीक है ना, दिस इज दी लोड, ठीक है ना। अब ये लोड भी जो है तीन तरीके का हो सकता है, ठीक है ना, कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान दीजिए। लोड में पहला हो सकता है डेड लोड या स्टेडी लोड, क्या, डेड लोड और स्टेडी लोड। दूसरा होता है डेड लोड मतलब इट इज कॉन्स्टेंट विद द टाइम, ठीक है ना, जैसे आपके घर का छत है, ठीक है ना, उस पर तो जो है लगभग डेड लोड है, ठीक है ना, कोई स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोई जैसे गाड़ी बस ट्रेन नहीं जा रही है, तो वो भी क्या हो गया, डेड लोड हो गया। या कॉन्स्टेंट लोड मतलब कि इट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। दूसरा है लाइव लोड या वेरिएबल लोड, लाइव और वेरिएबल लोड, जैसे ब्रिज का हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, इट इज चेंजिंग विद द टाइम। और एक तीसरा होता है सडन लोड, ठीक है ना, सडन लोड, अचानक से कोई लोड आपके ऊपर लग गया, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉक लोड, बोलते हैं ना, शॉक लग गया, शॉक लोड, ठीक है ना। शॉक लोड में दैट मींस की सडनली अप्लाइड, व्हेन इट इज सडनली अप्लाइड, और अचानक से कहीं लोड लग रहा है आप रिमूव कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो। और जो है चौथा होता है और लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट लोड, इसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड, या एक्सीडेंटल लोड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्सीडेंटल लोड, ठीक है ना। दैट मींस की लोड अप्लाइड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मशीन पार्ट्स जो है बेसिकली रेजिस्ट ए डेड लोड, ठीक है ना, डेड लोड जो है सबसे आसान होता है बियर करना, उससे टफ होता है लाइव लोड, उससे ज़्यादा टफ होता है सडन लोड, और उससे भी टफ होता है इम्पैक्ट लोड। जैसे एक्सीडेंटल लोड जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पैक्ट लोड, उसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड, ठीक है। अब हम गाड़ी आगे बढ़ाएं, गाड़ी आगे बढ़ाएं, दैट मीन्स कि हम लोग अब पढ़ें क्या, स्ट्रेस, ठीक है ना। अब स्ट्रेस जो हम लोड यहाँ पर लगाए, ठीक है ना, अब इस लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा हो सकता है, ये जो है हो सकता है कि हमारा रेक्टेंगुलर बीम हो, क्या हो सकता है कि हमारा रेक्टेंगुलर बीम हो, देखिए यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, ये
हो सकता है कि नहीं, रेक्टेंगुलर बीम, ये जो है आपका क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि मशीन पार्ट्स में इनर्सिया इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोड एक्टिंग अपॉन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड बेसिकली स्ट्रेस, ठीक है। और इसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, और इसको लिखते हैं पी अपन ए। क्या लिखते हैं, पी अपन ए, ठीक है, याद रहेगा, दिस इज द स्ट्रेस। इसकी यूनिट क्या होगी, लोड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है ना। अब इसमें जो है 1 मेगा पास्कल, ठीक है ना, जिस मेगा पास्कल भी इसका यूनिट होता है, ज़्यादा होगा तो मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, 10^6 पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल, 10^9 पास्कल इज इक्वल टू 1 गीगा पास्कल, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, इसके ऊपर आप जब लोड लगाएंगे, इसकी अभी लेंथ क्या है, एल, इसकी लेंथ क्या है, एल। अब जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सटेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब जब लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिए, लेंथ क्या हो गया आपका, बढ़ गया। जब लेंथ बढ़ेगा तो इस बढ़ करके, पहले लेंथ एल था, अब जो है लेंथ बढ़ करके क्या हो गया आपका, एल डैश, मान लीजिए एल डैश हो गया। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो गया, एल डैश माइनस एल, पहले एल था अब क्या हो गया, एल, ठीक है ना। तो इसको जो है बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, दैट मीन्स की रेट ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे कोई आपका ये है, ठीक है ना, अब हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि हम पुश फोर्स लगाएंगे, फोर्स कौन सा हो सकता है, पुश हो सकता है या पुल हो सकता है, ठीक है, या तो हम इसको इधर से लगाएं। तो अब ध्यान दीजिए, कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये बॉडी के ऊपर जो है आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड इक्वल फोर्स आप लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल, और इसके चलते टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और जो टेंसाइल फोर्स के चलते जो स्ट्रेस जो है बॉडी जिसको रेजिस्ट करेगी, ध्यान दीजिएगा कि फोर्स आप लगाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, क्योंकि प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स या लोड पर यूनिट एरिया, लेकिन प्रेशर आप लगाते हैं और स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो है आप टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, पुल कर रहे हैं ना आप, क्या कर रहे हैं, पुल, तो इसी को टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, इसी को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, इसी को टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। उल्टा भी आप कर सकते हैं कि कोई बॉडी है, इसको आप क्या करें, ठीक है ना, पुश करें, तो ये पुश जब आप करते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव फोर्स, या इसी को कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझ गए कि जो है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की यदि बात करें, किसकी बात करें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब स्ट्रेस भी आप समझ गए और स्ट्रेन भी समझ गए, तो क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई रिलेशन होता है, तो जी हाँ, इस रिलेशन के लिए एक जो है साइंटिस्ट थे, हुक्स साहब, उन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। उन्होंने ये कहा कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाए हैं, इसके ऊपर आप फोर्स लगाए हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर जो है डिफॉर्मेशन होगा, तो ये जो डिफॉर्मेशन इसमें सेट होगा, स्ट्रेन मतलब क्या, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन मतलब क्या, डिफॉर्मेशन। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा,
कि आप अभी तक मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो या तो मोशन होगा, यदि मोशन कब होगा, जब आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो, लेकिन हम इधर भी उतना ही लगा दिए तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, ठीक ना। और ये डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स, दैट मीन्स कि ये जो है आप ऊपर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और अंदर में क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसे ये पेन है, इसको हम फोर्स लगाते हैं तो अचानक से इलोंगेट तो नहीं हो जाता है, लेकिन और फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे इलोंगेट होगा। इसका मतलब कि मटेरियल की कुछ स्ट्रेंथ है। अच्छा, और ध्यान दीजिए, रबर जो है हमारा क्या होता है, इजिली इलोंगेट हो जाता है, स्टील क्या हो जाता है, इजिली इलोंगेट नहीं होता है, ठीक है, या इजिली कंप्रेस्ड नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक ना, और इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक ना। ये जो है ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, इजिली इलास्ट जो है क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, ये जल्दी इलोंगेट नहीं होता है। लेकिन दूसरा चीज देखिए, रबर क्या होता है कि आप पुश तो करते हैं, इसको इलोंगेट करते हैं, ठीक है, इलोंगेट करते हैं, और इलोंगेशन के बाद आप देखेंगे कि फिर से अपने जगह पर आ जाएगा, पुनः मुस्कब हवा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आप खींचते हैं तो खींचते खींचते इतना ज़्यादा आप खींच देते हैं कि वह अपने जगह पर नहीं लौट पाता है। वह पॉइंट जहाँ से वह लौट नहीं पाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, याद रहेगा। तो दैट पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। इलास्टिक लिमिट जो है को ही जो है हुक्स लॉ ने एक लॉ दिया कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट मीन्स कि विद इन दिस लिमिट द मटेरियल रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है ना, इट्स रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो उन्होंने सिग्मा इंटू इलास्टिक जो है स्ट्रेन दिया, सिग्मा को उन्होंने हटा दिया, यहाँ आ गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है ना, ये क्या हो गया, स्ट्रेन। अच्छा, सिग्मा को ही आप क्या लिखे थे, लोड अपन एरिया, और ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस, और स्ट्रेन को क्या बोले थे, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। किसी मटेरियल के ऊपर आपने फोर्स लगाया और इसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा निकालना हो आपको, तो कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एल अपन ए ई हो जाएगा कि नहीं, पी एल अपन ए ई। दिस इज दी फार्मूला फॉर द चेंज इन लेंथ, दिस इज दी फार्मूला फॉर द चेंज इन लेंथ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला है जो अभी आपके पास है, ठीक है, जो अभी आपके पास है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। अच्छा, इस ई की यूनिट क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनिट का हम थोड़ा सा देख लें यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पी का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही निकाले थे कि नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ई, ठीक है ना, ई की यूनिट हमें निकालना ही है चूंकि ये कॉन्स्टेंट है। डेल्टा एल लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर अपन मीटर, तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, यह यूनिट लेस क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज दी रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ऊपर और नीचे दोनों सेम क्वांटिटी का क्या है, रेशियो है, ठीक है, दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, सो इट इज जो है यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो है यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, अब ये टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रेन होता है या स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, क्या, शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बोलिएगा कि शियर स्ट्रेन या शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो बेसिकली जब सरफेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, अभी तक आप फोर्स कहाँ लगा रहे थे, यहाँ पर लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर नहीं लगा करके ये क्या है, मान लीजिए कि फिक्स है, ये क्या है आपका, फिक्स है, और आप फोर्स लगाते हैं यहाँ पर, फोर्स लगाए क्या, यहाँ पर फोर्स लगाए, ठीक है,
इस फोर्स के चलते क्या हुआ कि हमारा मटेरियल जो ये ए बी सी और डी था वह ऐसे टिल्ट हो गया, कि टिल्ट होकर के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर सी जो है सी डैश पे पहुंच गया और डी जो है डी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि डिफॉर्मेशन जो हुआ क्या हुआ, एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, ये क्या हो गया एंगल फाई, क्या हो गया एंगल फाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जब सरफेस फेनोमेना होता है मतलब यहाँ पर ये लेयर टू लेयर, ये लेयर आगे चले गया, ये लेयर आगे गया, ठीक ना। कहने का मतलब क्या होता है कि जब लेयर टू लेयर डिफॉर्मेशन होता है क्या होता है कि आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये लेयर क्या होगा आगे जाएगा। ठीक है, फिर ये अपने नीचे वाले को बोलेगा कि भाई हम बहुत दिनों से साथ हैं, हम आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, तुम भी थोड़ा हमारे साथ चलो। ठीक है ना, तो बोला है बिल्कुल थोड़ा ही चलेंगे, बिल्कुल जो है आपका साथ उतना नहीं देंगे जितना दे सकते हैं लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे। तो ये थोड़ा सा आगे इसका साथ देता है, उसी तरह से ये नीचे वाला थोड़ा सा आगे देता है साथ। तो ये सब साथ तो देते हैं लेकिन पूरा साथ नहीं देता है, कोई भी जिंदगी में पूरा साथ नहीं देता है, जिसके ऊपर फोर्स लगा है वही अकेले पूरा चलेगा, कोई भी थोड़ा सा ही साथ देता है। तो इस डिफॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन, और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं सियर स्ट्रेन। इस एंगुलर स्ट्रेन को ही क्या बोलते हैं, सियर स्ट्रेन। ये कई जगह फेनोमेना होता है, जैसे कोई रिवेट है, रिवेट मतलब या नट बोल्ट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कोई प्लेट है आपका, ठीक है ना, ये कोई आपका जो है प्लेट है, यहाँ पर जो है ये कोई आपका प्लेट है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये प्लेट है, ये इधर आप फोर्स लगा रहे हैं और इसको इधर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, लेयर टू लेयर डिफॉर्मेशन होगा कि नहीं, लेयर टू लेयर डिफॉर्मेशन होगा। ये जो है फाइनली ऊपर वाला जो है थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये जो है इधर चले जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर सरफेस के बीच में डिफॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, सरफेस के बीच में डिफॉर्मेशन हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सियरिंग ऑफ, क्या बोलते हैं सियरिंग ऑफ। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या, सियर स्ट्रेस। अब तो सियर स्ट्रेस क्या होगा कि आपका लोड अपन सियर एरिया, दैट मीन्स कि ये वाला एरिया, अब इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि नहीं एरिया, ठीक है ना, ऐसा होगा ना इसका एरिया, ठीक है, ऐसा होगा। ये वाला एरिया हमें चाहिए, ये क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, अरे बात समझ में, तो ये एरिया चाहिए, तो ये लेंथ, ठीक है ना, इनटू दिस विड्थ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सियर एरिया, क्या बोलते हैं सियर एरिया। ठीक है, यदि ये सर्कल होगा, जैसे यहाँ पर आप दिखाएं कि सर्कल होगा तो पाई अपन फोर डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सियर स्ट्रेन क्या होगा, यहाँ पर सियर स्ट्रेन, सियर स्ट्रेन होगा यहाँ पर फाई, ठीक है ना, फाई मतलब क्या, टेन फाई आप निकाल सकते हैं, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए अपन बेस, तो परपेंडिकुलर ये चेंज इन लेंथ, तो डी टू डी डैश, डी टू डी डैश अपन ये वाला हाइट, ये हाइट मान लीजिए एल है, एल हो जाएगा। ठीक है, और सियर स्ट्रेन को लिखते हैं टाउ से, सियर स्ट्रेस को इंडिकेट किससे करते हैं, टाउ से। तो यहाँ भी सियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सियर स्ट्रेन होता है, क्या होता है, सियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सियर स्ट्रेन, और सियर स्ट्रेस के साथ जब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हैं यहाँ पर आता है सी इंटू फाइव। तो ये लोग कई बुक में जो है आपको सी लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में जी लिखा हुआ मिलेगा, और इसी को बोलते हैं सियर मॉडुलस, ठीक है ना, सियर मॉडुलस। ठीक है, तो ये सियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सियर स्ट्रेन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, सी को ही क्या बोलते हैं, मॉडुलस
ऑफ क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो शियर स्ट्रेस जैसे होता है, ठीक उसी तरह से एक होता है आपका बियरिंग स्ट्रेस। क्या होता है बियरिंग स्ट्रेस? देखो बियरिंग स्ट्रेस को ही कई बार हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है कि कोई प्लेट है, सिंपल प्लेट का एग्जांपल देते हैं, चाहे आप अपने हाथ का एग्जांपल लेकर के एक हाथ के ऊपर आप सिंपल पुल लगाते हैं, जैसे प्लेट है आपका, प्लेट के ऊपर आप क्या लगा रहे हैं पुल लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हाथ के ऊपर कोई हाथ खींच रहा है, लेकिन हाथ के ऊपर जो है कोई एक क्विंटल रख दिया और उसके बाद हाथ आप खींच रहे हैं तो क्या होगा, हाथ क्रैश मतलब ऊपर से कंप्रेसिव भी है और इधर टेंसाइल भी काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बियरिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। जैसे बियरिंग आप देखते होंगे ना शाफ्ट के बीच में, ठीक है ना, आप ये शाफ्ट देखते होंगे मशीन के अंदर कई जगह पर, और यहाँ पर ये बियरिंग लगा होता है, बियरिंग के बीच में शाफ्ट हमारा क्या होता है फिक्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस। दैट मीन्स की इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रेस, ठीक है, लोकलाइज स्ट्रेस एट द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द मशीन पार्ट्स, ठीक है ना। बेसिकली इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा इट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट मीन्स की ये एक आपका शाफ्ट है और ये क्या है आपका ऊपर में बियरिंग है, ये क्या है बियरिंग है, इसका जो है लोड काम करेगा कि नहीं नीचे, ठीक है, ये क्या है आपका बियरिंग है, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है आपका जब लोड लगेगा तो ये लोड कुछ ऐसा काम करेगा, ठीक है, इस क्योंकि इसका वेट क्या है नीचे है तो इस बियरिंग सरफेस पे, इस बियरिंग जर्नल बियरिंग है यदि तो इस बियरिंग पे काम करेगा, या रोलर बियरिंग जिसमें आप रोलर लगा हुआ देखते होंगे, ठीक है ना, रोलर लगा हुआ देखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है बियरिंग स्ट्रेस का, तो सिग्मा बी इक्वल टू होता है लोड अप्लाइड, जो भी आपने लोड लगाया, अपन डी टी बियरिंग एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया इंटू एन। अब एक जगह बियरिंग लगा है तो एन इक्वल टू वन हो जाएगा, दो जगह बियरिंग लगा है तो एन इक्वल टू दो हो जाएगा, और ये डी टी मतलब होता है प्रोजेक्टेड एरिया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया या बियरिंग एरिया, डायमीटर और थिकनेस ऑफ द बियरिंग, ठीक है ना, ये आपका डायमीटर तो होगा ही होगा ये वाली, और थिकनेस, ठीक है ना, कितने थिकनेस की बियरिंग है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डी इंटू टी। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये आपका बियरिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, इसी को जब लॉन्ग बियरिंग हो, ठीक है ना, डी के जगह पर सॉरी टी के जगह पर थिकनेस के जगह पर जैसे लेंथ आ जाएगा, बहुत लंबा बियरिंग हो तो टी के जगह पर क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अभी तक हमने देखा कि जो है आप स्ट्रेस और स्ट्रेन देखें, अब इसी में क्या होता है एक जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी पढ़े होंगे, ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सिंपली हम समझाएंगे आपको, इससे कुछ और स्ट्रेस निकल करके आते हैं, ठीक है ना। अब आप देखें कि ये स्ट्रेस है आपका और ये क्या हो गया स्ट्रेन हो गया, ये क्या हो गया स्ट्रेस, और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस हो गया और एक्स एक्सिस पे क्या हो गया स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब यदि कोई आपके जो है माइल्ड स्टील है, क्या है माइल्ड स्टील है, ध्यान दीजिएगा माइल्ड स्टील के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसका नेचर कैसे होता है, ये पहले सीधा जाएगा, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ए, दैट मीन्स की पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक जब आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, और फिर जब रिमूव कर देते हैं फोर्स लोड हटा लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है ये अपने ओरिजिनल पोजिशन को जो है रिगेन कर लेता है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो अभी आज तक आप लिखते थे उसको ये फॉलो करता है, उसके बाद क्या होता है जो है इलास्टिक लिमिट आता है पॉइंट बी,
यहाँ तक जो है आपका इलास्टिक लिमिट को जो है वो फॉलो करता है, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन दैट मीन्स की स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। पॉइंट बी क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया जो है प्रोपोर्शनल लिमिट, ए तक क्या हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, बी तक क्या हो गया आपका इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। इवन द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड पॉइंट ए अप टू द पॉइंट बी द मटेरियल विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, इट हैज एबिलिटी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मटेरियल हैज इलास्टिक प्रॉपर्टीज अप टू द पॉइंट बियॉन्ड ए, दैट मीन्स की अप टू द पॉइंट बी, ठीक है। अब यहाँ पर बी के बाद और हम फोर्स लगाते हैं तो अगेन वी सी सम पॉइंट दैट मे बी सी, पॉइंट सी को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट, क्या बोलते हैं यील्ड पॉइंट, दैट मीन्स की मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द पॉइंट बी, देन प्लास्टिक स्टेज स्टार्ट्स, मतलब सी तक यदि आप पहुंच मतलब बी के ऊपर यदि आप लगा रहे हैं तो क्या होता है आपका ओरिजिनल शेप जो है ये रिगेन नहीं करेगा लोड हटाने के बाद ओरिजिनल शेप को ये रिगेन नहीं करेगा। और फिर आप देखते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा लोड आप कम करते हैं, थोड़ा सा लोड आप कम कर देते हैं तो भी स्ट्रेन जो है आपका आगे बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो ये अपर यील्ड पॉइंट हो जाता है और ये क्या होता है लोअर यील्ड पॉइंट, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्ट्रेस बढ़ना और पॉइंट डी को क्या बोल दिया आप लोअर यील्ड पॉइंट, डी को क्या बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, और डी के बाद जो है ये बढ़ना शुरू होता है, क्या होता है शुरू होता है, और फिर ये रिगेन करता है अल्टीमेट जो है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर, और इसके बाद क्या होता है कि ये जो है आपका धीरे धीरे स्ट्रेस आप कम भी कर देंगे तो क्या होने लगता है स्ट्रेन स्टार्ट रहेगा, ठीक है ना। और इसी में इंजीनियरिंग स्ट्रेस की यदि बात करते हैं तो एक्चुअल एरिया लेते हैं, क्योंकि इसका जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसका एरिया भी तो घटना शुरू हो जाएगा, इसका जो है एरिया भी तो पतला दुबला होते जाएगा कि नहीं, ऐसे नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे क्या होता है नेकिंग स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये पतला दुबला हो जाएगा इस पॉइंट पर, और ये एक्चुअल एरिया लेंगे तो ये तो ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना, और ओरिजिनल एरिया लेंगे तो ये ऐसे जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कि ये जो है नेकिंग के बाद क्या हो जाएगा पतला दुबला होते होते टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, क्या बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये पॉइंट जीरो था, यहाँ से ए तक, जीरो से ए तक क्या था, ए तक क्या था लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जो है यहाँ पर फॉलो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ध्यान रखिएगा। और बी को क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, बी को क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, सी को क्या बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, डी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ई को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस और या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और ये जो जोन है यहाँ से यहाँ तक या बेसिकली यहाँ पर नेकिंग जो है लाइन बोलते हैं, यहाँ पर नेकिंग स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है नेकिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट था स्पेसिमेन था, ठीक है ना, लेकिन जब आप इसके ऊपर लोड लगाए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ये आपका थोड़ा ऐसे हो जाएगा, हुआ कि नहीं, ये एरिया क्या घटने लगा कि नहीं, ठीक है ना, ये एरिया जो है घटने लगता है। अब यहाँ पर आप निकाल देते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, क्या निकालते हैं आप परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, क्या हो जाता है ओरिजिनल एरिया, ठीक है ना, ओरिजिनल एरिया ठीक है ना, माइनस ये वाला एरिया स्मॉल ए अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। उसी तरह से परसेंटेज इलोंगेशन भी आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज इलोंगेशन आप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका जो है और जो है जो लेंथ चेंज होकर के निकला एल और माइनस ओरिजिनल लेंथ अपन जो है चेंज इन लेंथ इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा
परसेंटेज इलोंगेशन। तो बेसिकली परसेंटेज इलोंगेशन कितना परसेंट इलोंगेट हुआ आप जब लोड लगाए, ठीक है ना। तो दिस परसेंटेज इलोंगेशन गिव्स द मेजर ऑफ द डक्टिलिटी, कोई मटेरियल हमारा कितना डक्टाइल है अंडर द गिवन टेस्ट। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ लोकल एक्सटेंशन कितना वो एक्सटेंड हुआ डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो ऑन द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द टेस्ट पीस। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब ये जो डायरेक्शन है आपका लॉन्गिट्यूडनल है एक्सिस के अलॉन्ग, यही एक्सिस है ना आपका, और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है आपने कोई फोर्स तो नहीं लगाया बट जो है यहाँ डिफॉर्मेशन हुआ, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन और या ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे तो समझिएगा, ठीक है ना। अब हम जो है इससे डायग्राम बनाने से फायदा क्या होता है कि हम मशीन पार्ट जो है क्यों पढ़ रहे हैं कि मशीन के ऊपर अल्टीमेटली क्या करना है, हमें लोड लगाना है, मशीन के ऊपर लोड लगाना है, मशीन कंपोनेंट के ऊपर लोड लगाना है। दैट मीन्स कि देयर इज टू स्ट्रेस, ठीक है ना, एक तो डिजाइन स्ट्रेस जो मैथमेटिक्स से निकल करके आएगा और दूसरा जो काम होगा तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, सो इट इज कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस। एक आएगा आपका क्या वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब बोलिए वर्किंग स्ट्रेस कैसे होता है, जैसे बाइक की हम बात करते हैं, बाइक की बात करते हैं तो बाइक कितने लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, दो लोगों के लिए, टू पर्सन के लिए, लेकिन बहुत कम ही आप देखते होंगे खास करके इंडियन कंटिनेंट में कि दो लोग आराम से बैठते हों। बाइक डिजाइन करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन शायद ही कोई 60 किलोमीटर पर आवर चलाता है, तो हम दो हमारे दो तो जनरली लोग बैठते ही हैं, ठीक है, 80-90 के स्पीड से लोग बाइक चलाते ही हैं। अच्छा, स्मूथ रोड के लिए आप बाइक डिजाइन करते हैं, इंडिया में कितना स्मूथ रोड है, अच्छा रोड है, ये भी आपको मालूम है। इसका मतलब है कि हम जो बाइक डिजाइन करते हैं तो एक होता है थ्योरेटिकल डिजाइन जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दो आदमी के हिसाब से आएगा, ठीक है ना, आएगा कि नहीं, और जो है स्पीड 60 किलोमीटर के हिसाब से, रोड स्मूथ, ये सारे फैक्टर कंसीडर करते हुए जब हम निकालेंगे तो हमारा निकल करके आएगा थ्योरेटिकल स्ट्रेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस। लेकिन एक्चुअल में वर्किंग क्या है, वर्किंग स्ट्रेस में मतलब क्या हो गया, वर्किंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मतलब हम दो हमारे दो, ठीक है ना, फिर दो आदमी बैठना एक एक क्विंटल का बैठ गया, या स्पीड 60 के जगह 120 का चला रहे हैं, 100 का स्पीड चला रहे हैं, 80 का स्पीड चला रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस इज जनरली हायर देन द डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, वर्किंग स्ट्रेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जो है सेफ स्ट्रेस या एलावेबल स्ट्रेस, इसी को हम लोग सेफ स्ट्रेस बोलते हैं, सेफ स्ट्रेस या एलावेबल स्ट्रेस, एलावेबल स्ट्रेस, ठीक है। तो बाई फेल्यूर इट इज नॉट मीन कि जो है एक्चुअल वो खराबी हो जाए, लेकिन उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ गया तो आल्सो इट इज वन काइंड ऑफ फेल्यूर, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिला करके, ठीक है ना, किसको, थ्योरेटिकल स्ट्रेस को, या थ्योरेटिकल स्ट्रेस मतलब क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस जो अभी आपने यहाँ पढ़े, ठीक है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है ना, और वर्किंग स्ट्रेस जो आपको मिला, कई जगह वर्किंग को ही डिजाइन स्ट्रेस कहते हैं और थ्योरेटिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीजिए यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, हटा ही देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, थ्योरेटिकल को ही हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए इससे एक डिजाइन होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या एक टर्म निकल करके आता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बेसिकली इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन द डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है ना, क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस या जो है मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब इसको थोड़ा सा और समझ जाइए, ठीक है ना। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है मटेरियल की, कोई मटेरियल है ठीक है ना, या कोई बाइक है, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, मान लीजिए कि 200, ठीक है। 200 क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो हम वर्किंग उसको कितना बताएंगे, वर्किंग जो है कितना बताएंगे, 50, ठीक है ना। वर्किंग 50 बता दिए और मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है 200, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाई 50, दैट मीन्स की 4। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में तो 200 है, हम बता कितना रहे मार्केट में वर्किंग के लिए 50, तो जब हम बता रहे हैं 50 kg, सपोज कर लीजिए सामने वाला 200 kg भी बैठ गया, मतलब दो आदमी का हम बता रहे हैं, वो चार आदमी बैठ गया, तो भी हमारा सेफ है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 4 है, 4 times वो सेफ है, ठीक है। मतलब हम बता दिए कि दो आदमी आप बैठना बाइक पे, ठीक है, 2 into 4 आठ आदमी बैठ गए, तो बाइक ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएगा, हो सकता है फेल, ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी हम कितना का दे रहे हैं, ठीक है, दो आदमी का, लेकिन आठ आदमी बैठ जाए, आठ आदमी का तो गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं होता है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम आपके पॉकेट में रख रहे हैं 8 रुपया, बता रहे हैं 2 रुपया, क्योंकि आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए आप सेफ कंडीशन में रहेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है, ठीक ना। तो जैसे बचपन में मम्मी क्या करती थी, याद होगा कि दी है आपको 4 रोटी खाने के लिए और बोले कि 2 रोटी दी है, खा लो जल्दी खा लो। कहने का मतलब क्या है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, हम सेफ कंडीशन में रहेंगे। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 रख दिए हैं, देट मीन्स कि 2 आदमी के बाइक पे सामने वाला कितना बैठेगा, 4 बैठ जाएगा, 5 बैठ जाएगा, 10 तो नहीं बैठेगा ना। अब 10 बैठेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फेल हो गया, फेल्यूर हो गया, ठीक है। अब अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है ना, यदि जनरल मटेरियल के लिए तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यदि हमारा डक्टाइल मटेरियल हो, जैसे कि फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाता है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, क्या होता है, यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, याद रखिएगा। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस क्या होता है, अभी मैं दिखा देता हूं, यही यील्ड पॉइंट स्ट्रेस था ना आपका, ये पॉइंट सी और डी, अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड, ठीक है, याद रहेगा, अपर यील्ड पॉइंट एंड लोअर यील्ड पॉइंट। उसी तरह से ब्रिटल मटेरियल की यदि बात करेंगे तो ब्रिटल मटेरियल हैज नो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, इट हैज ओनली अल्टीमेट स्ट्रेस, फॉर ब्रिटल मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग, ठीक है ना। यील्ड पॉइंट स्ट्रेस को सिग्मा वाई लिखते हैं जनरली, और अल्टीमेट स्ट्रेस को सिग्मा यू लिखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस को सिंपल सिग्मा लिखते हैं, ठीक है ना, सिंपल क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रखेंगे, क्या हम अपने मन से 200 वाले को 50 रख लेते हैं, या जो है 100 को 200 रख लेते, कैसे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, ठीक है ना। देयर इज सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कि कैसे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करते हैं, 2 रखना है 4 रखना है, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं जस्ट डिक्टेट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन ऑफ द मशीन कंपोनेंट। तो पहला जो है, आप जो है कंपोनेंट का ये पार्ट है रिलायबिलिटी, कि जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ज़्यादा होगा कंपोनेंट उतना रिलायबल होगा। तो अब आपको कितनी रिलायबिलिटी रखनी है, ठीक है ना। अब जो है फेल्यूर क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना, और एजम्पशंस क्या हैं, लोकलाइज्ड स्ट्रेस कितना होने वाला है, एक्सटेंट ऑफ इनिशियल स्ट्रेस कितना है, एक्सटेंट ऑफ जो है लॉस ऑफ लाइफ, जैसे एरोप्लेन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, अब जो है
ध्यान दीजिए, बाइक में हम बोलते हैं कि दो आदमी से ज्यादा नहीं बैठना, तो जो है तीन आदमी चार आदमी बैठेगा। एरोप्लेन में यदि हम बोलते हैं कि दो से ज्यादा नहीं बैठना, तो किसी भी कीमत पे दो से ज्यादा को वो नहीं बैठाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से अभी हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ही आगे एक चीज और समझिएगा कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर, ये बॉडी है आपका, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अब इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ऐसे इलोंगेट होगा, होगा कि नहीं, ऐसे इलोंगेट होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ये मान लीजिए सर्कुलर रॉड है, तो लेंथ तो यहाँ बढ़ा लेकिन डायमीटर क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो ये जो लेंथ बढ़ा इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, दैट मीन्स की चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, आ रही बात समझ में। लेकिन यहाँ क्या हो गया, एट द सेम टाइम हमारा जो है डायमीटर क्या हो गया, घट गया। आप घटाए नहीं हैं, इधर आप कोई फोर्स नहीं लगाए हैं, ये कोई फोर्स आप लगाए नहीं हैं, बट ऑटोमेटिक डायमीटर रिड्यूस हो गया है, क्योंकि ये इधर लेंथ बढ़ा, मटेरियल बढ़ा गया, तो कहीं ना कहीं से रिड्यूस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, इसका चेंज इन डायमीटर, मान लीजिए कि क्या हो गया, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। डायमीटर क्या हो गया, यहां पर घट गया, कंप्रेसर लगाएंगे, कंप्रेसिव लगाएंगे तो लेंथ घटेगा, डायमीटर बढ़ेगा। मतलब यहां पर कोई कंपोनेंट है ऐसे, और इसके ऊपर आप पुश फोर्स लगाएंगे, दोनों तरफ से पुशिंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ेगा और लेंथ घटेगा। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं पॉइजन रेशियो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब ये सब स्ट्रेंथ और मटेरियल में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, यहाँ तो सिर्फ हम आपको वह बताएंगे जो मशीन डिजाइन में जरूरत पड़ने वाला है, हिंट हम दे रहे हैं बेसिकली, क्या है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को इंडिकेट करते हैं या तो 1/m से या म्यू से इंडिकेट करते हैं, 1/m से या म्यू से इंडिकेट करते हैं, और इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है, और होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है आपका, क्या लिखे हैं आप, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा डी अपॉन डी, और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दैट इज दी पॉइजन रेशियो, और इसका वैल्यू होता है जनरली 0.25 से लेकर के, ठीक है ना, 0.5 के बीच में लाई करता है, 0.25 से 0.33 के बीच लाई करता है स्टील के लिए, रबर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस पॉइजन रेशियो के हेल्प से अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या निकालते हैं, अब समझिएगा थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बेसिकली, जैसे अभी हमने ये बताया, ठीक है ना, उसी तरह से कोई क्यूब है आपका, क्या है, कोई क्यूब है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, और थिकनेस भी है या हाइट है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, विड्थ एंड हाइट क्या होगा, रिड्यूस होगा। या इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे, इधर ऊपर और नीचे, क्या होगा, विड्थ तो बढ़ेगा लेकिन हाइट और लेंथ घटेगा। तो हमेशा जनरली क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तीनों को जोड़ करके हम लोग निकालते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना, और यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब कि आपका क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और किसी एक डायरेक्शन का आप निकालेंगे, अभी हम बताए थे ना, एक डायरेक्शन में बढ़ेगा तो दो डायरेक्शन में घटेगा, तो अब इसका बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि सिंपल स्ट्रेन इंटू 1 माइनस 2/m होता है। ये
ई क्या है आपका, एप्सिलॉन क्या है, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो एक बढ़ेगा और दो घटेगा, ये दो, एक बढ़ेगा दो घटेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बढ़ेगा और दो आपका घटेगा, ठीक है। अब इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के ही आधार पर हम बल्क मॉडुलस और रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड जो है यंग मॉडुलस निकाले हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है ना, टर्म है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आप कई जगह पढ़े होंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ मटेरियल में। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेन अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमेशा क्यूब के ऊपर लगता है और इसको इंडिकेट करते हैं के से। तो इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेन, सॉरी डायरेक्ट स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब सिग्मा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी अपन वी, ठीक है, डेल्टा वी अपन वी, ठीक है। अब उसी तरह से बल्क मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस, ठीक है ना, हम लोग रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, देन इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या निकल करके आता है आपका, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, K इक्वल टू एम ई, एम ई अपन थ्री इंटू एम माइनस टू, ठीक है ना। अब यहीं पर वन बाई एम को ही क्या लिखे हैं, म्यू, ठीक है ना, पॉइजन रेशियो, ठीक है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ई अपन थ्री इंटू वन माइनस टू म्यू, म्यू के टर्म में यदि हम लिखना चाहें तो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी याद रखिए, ये सब डायरेक्ट रिलेशन याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करता है। रिलेशन बिटवीन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस, और इसको इंडिकेट करते थे जी से, याद होगा आपको, और जी को क्या लिख सकते हैं, एम ई अपन टू इंटू एम प्लस वन, वन बाई एम क्या है यहाँ पर आपका पॉइजन रेशियो है, या डायरेक्ट ई अपन क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन प्लस म्यू, ठीक है, लिख सकते हैं। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन दी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच आपका क्या हो गया, रिलेशन निकल गया। यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह से छोटे छोटे कुछ और टर्म्स हैं, उनको हम लोग देख लें, ठीक है ना। सबसे पहले एक आपको बताते हैं, याद होगा आपको, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है ना, थर्मल स्ट्रेस। अभी तक तो हम लोग फोर्स लगा रहे थे तब एक्सटेंशन देखने मिलता था। अब कई बार तो आप ये सुने होंगे कि रेलवे का ट्रैक जो है गर्मी के दिनों में थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, 0.0001 mm, बहुत कम। कहने का मतलब कि कोई लोहा है, इसको आप हीटअप करेंगे, ठीक है ना, हीटअप करेंगे तो थोड़ा सा इसमें इलोंगेशन देखने मिलता है। वह इलोंगेशन कितना होता है, ठीक है ना, वह इलोंगेशन कितना होता है, तो याद रखिएगा वह इलोंगेशन होता है चेंज इन लेंथ जो होता है एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशियंट ऑफ द मटेरियल, क्या है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, थर्मल कोफिशियंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, और एल क्या है आपका ओरिजिनल लेंथ, तो ये है आपका चेंज इन लेंथ, ठीक है ना, निकालने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि यदि आपके जो है कहीं ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, यहाँ पर ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, ठीक है, आप हीटअप कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इट इज फ्री टू मूव, फ्री टू इलोंगेट, देन देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप इन साइड द मटेरियल। बट इफ यू अप्लाई दी रेजिस्टेंस, यहाँ पर फिक्स कर दिए, नट बोल्ट से फिक्स कर दिए और हीटअप कर रहे हैं, तो ये बढ़ना तो चाहता है लेकिन आप इसको बढ़ने नहीं देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
थर्मल स्ट्रेस, क्या बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, और ये थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा सिग्मा टी एच थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा थर्मल स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ दैट मींस की अल्फा इनटू डेल्टा टी इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये थर्मल स्ट्रेस का ही एक एग्जांपल का नाम सुने होंगे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन या हुप स्ट्रेस या हुप स्ट्रेन, ठीक है समझिएगा इसको भी, हुप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, पहले पुराने जमाने में सबसे ज़्यादा होता था, अभी भी बहुत होता है, कि यदि कोई ये प्लेट है या कोई सिलेंडर है इसके ऊपर रिंग चढ़ाना है, ठीक है ना, सिलेंडर के ऊपर रिंग चढ़ाना है, पहले बैलगाड़ी के पहिए पे ये चढ़ाने के लिए काम करते थे, तो क्या होता था कि अब इसके ऊपर एक हमको क्या चढ़ाना है दूसरा रिंग चढ़ाना है, तो अब इसी के साइज का है तो चढ़ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं इसी के साइज का है, ठीक इसका भी डायमीटर क्या है डी है, इसका भी डायमीटर डी है, इसको इसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है ना, चढ़ेगा क्या नहीं चढ़ेगा, मतलब इसके ऊपर कैप लगाना है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा तो रहना चाहिए तभी तो लगेगा, सेम साइज का रहेगा तो कैसे लगेगा नहीं लगेगा, तब हम क्या करते हैं इसको हीटअप कर देते हैं, इसको हीट कर देंगे, तो हीट कर देंगे तो इसमें कुछ थोड़ा सा डायमीटर क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और उसके बाद इसको इसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो इजिली चढ़ जाता है गर्म करके, गर्म करके इसको चढ़ा देंगे तो चढ़ जाएगा, और फिर सराउंडिंग से हीट रिलीज हो गया कोल्ड हो गया तब ये जकड़ लेता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये जैसे ही ऊपर हुआ, ठीक ना, तो इसके ऊपर चढ़ा दिए गर्म, अब धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के बीच को दूसरे को पकड़ लेंगे, ठीक ना। ठंडा होती है वो अपने ओरिजिनल जगह पे जाना चाहेगा कि नहीं, ठीक ना, ओरिजिनल जगह पे जा नहीं पाएगा क्योंकि ओरिजिनल जगह पे पहले से एक बैठा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, एक दोनों दूसरे के गर्दन को पकड़ लेंगे, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब दो चार दस मिनट और लगेगा, हम लोग देख लें स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपोजिट बार मतलब क्या होता है कि ये कोई है, इसमें दो तीन मटेरियल लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये भी एक मटेरियल लगा है, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है आपने कॉपर लगा दिया, क्या लगा दिए, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, ये स्टील है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या आपने लगा दिया कॉपर का प्लेट लगा दिया, ठीक है ना, ये कॉपर का प्लेट लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, ये क्या था आपका स्टील था कॉपर था, अब स्टील की इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग है कॉपर की अलग है, ठीक है ना, अब इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे, ठीक है ना, तो दोनों मिल करके लोड लगाएंगे आप, तो पी वन प्लस पी टू होगा कि नहीं, अब दोनों में पी वन प्लस पी टू होगा, अच्छा स्ट्रेन कितना होगा, पहले वाले में स्ट्रेन कितना होगा P1 अपन A1 एरिया, दूसरा का स्ट्रेन क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, और दूसरे का भी चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होगा, लेकिन चेंज इन लेंथ दोनों तो एक दूसरे के साथ है, तो आगे बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों एक साथ घटेंगे, ठीक है ना, तो स्ट्रेन दोनों में क्या होगा सेम होगा, और देखिए स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता था स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेन ई वन निकालेंगे क्या हो जाएगा सिग्मा वन अपन ई वन, ये क्या हो जाएगा सिग्मा वन अपन ई वन इक्वल टू सिग्मा टू अपन क्या हो जाएगा ई टू होगा कि नहीं। अब यहाँ पर आप निकालेंगे सिग्मा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वन अपन ई टू इंटू सिग्मा टू, अब ई वन अपन ई टू को क्या बोलते हैं ये फॉर्मूला याद रखिएगा, E1 अपन E2 को बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, क्या बोलते हैं दोस्तों मॉडुलर रेशियो, ठीक है, E1 अपन E2 जनरली E मॉडुलर रेशियो जनरली ग्रेटर देन वन ही होता है, ठीक है। आप ये स्ट्रेस का फॉर्मूला भी रख सकते हैं, क्या होगा P1 अपन A1 इक्वल टू E1 अपन E2 इंटू P2 अपन A2, तो दोनों का एरिया का भी एक आपका रिलेशन निकल गया, और ये एक इक्वेशन हो गया,
ये दो इक्वेशन हो गया, और तीसरा इक्वेशन एक यहाँ पर ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, पी वन पी इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखे हुए हैं। एक और रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं यहीं पे, पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू के जगह पर, पी वन प्लस पी टू के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा वन ए वन प्लस सिग्मा टू ए टू। तो जब जैसा जरूरत पड़े उस हिसाब से हम फॉर्मूला रख करके इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आई थिंक कि कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब चलते चलते अब लास्ट पैदान पे हम लोग पहुंच गए हैं, एक और पढ़ लेते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेस। ठीक है ना, इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या होता है कि ऐसा कोई बॉडी है अचानक से जो लोड लगता है ना, जिसको एक्सीडेंटल लोड बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सीडेंटल लोड बोलते हैं, अब ये फिक्स है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है कोई रिंग है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कोई रिंग है, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं आप अचानक से छोड़ देते हैं किसी हाइट से, अचानक से किसी हाइट से इसको छोड़ देंगे तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इलोंगेशन होगा कि नहीं, इलोंगेशन होगा, इस इम्पैक्ट लोड के चलते आके धड़ाम से यहाँ गिरेगा, तो क्या होगा, इलोंगेट होगा ये, फिर अपने ओरिजिनल जगह पर पहुँच जाएगा। तो इलोंगेट जो हुआ वो कितना हुआ, मान लीजिए डेल्टा एल, क्या हुआ डेल्टा एल, और ये किस हाइट से गिरा, मान लीजिए कि एच हाइट से गिरा है, इस बार का टोटल लेंथ कितना है, एल है, इस बार का टोटल लेंथ कितना है, एल है, तो आप इसका इम्पैक्ट स्ट्रेस निकालते हैं। तो सिग्मा आई इक्वल टू, याद रखिएगा, लोड अपन एरिया, ये जो भी लोड है आपका डब्लू, ठीक है ना, लोड अपन एरिया इंटू, ठीक है ना, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस टू एच ए ई, एच क्या हो गया, ये हाइट हो गया, इसको बंद कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, टू एच ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस बार, ई क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और फिर ये लोड इंटू लेंथ, टोटल लेंथ, ये पूरा लेंथ, तो ये होता है आपका इम्पैक्ट स्ट्रेस। ठीक है, क्या होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अब लास्ट एक टर्म थोड़ा सा और देख लीजिए, क्या है, रेजिलियंस, क्या है, रेजिलियंस, रेजिलियंट बोलते हैं ना, वो आदमी बहुत रेजिलियंट है, रेजिलियंट मतलब क्या होता है कि कोई आपका बॉडी है इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो ओब्वियसली इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, डिफॉर्मेशन होगा, और डिफॉर्मेशन होने के साथ साथ जब आप लोड हटाएंगे तो हो सकता है कि ये ओरिजिनल पोजिशन अपना रिगेन कर ले, या हो सकता है नहीं गेन करें। ठीक है, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट आप लोड लगा देंगे तो रिगेन नहीं करेगा अपना शेप, लेकिन एक लिमिट तक ये जो है स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, जैसे स्प्रिंग है, ठीक है ना, अब स्प्रिंग पे आप लोड लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये इलोंगेट होता है, फिर अपने जगह पर आ जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक बचपन में वो गाड़ी खेले होंगे, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, उसका मतलब क्या होता है कि वह स्प्रिंग जो है स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग होता है जनरली, ठीक है ना, और उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को आप स्टोर कर देते हैं, और वह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वह गाड़ी थोड़ी दूर तक चलती है, फिर जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो गाड़ी रुक जाती है। यही कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स कि व्हेन द बॉडी इज बीइंग लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, इट विल चेंज इट्स ओन डायमेंशन, एंड आफ्टर रिमूवल द लोड इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, बट मीन वाइल इट स्टोर द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस, उसी को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, याद कीजिएगा क्या हमने बोला, चाहे चलिए लिख देते हैं, ठीक है ना, रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या कहता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी मटेरियल अप टू क्या, अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ठीक है, और मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड, ठीक है ना, इन द बॉडी इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ
रेजिलियंस, क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और यही एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम यदि हो जाए, पर यूनिट वॉल्यूम जो आपने एनर्जी स्टोर किया उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। तो ये दोनों तीनों टर्म याद रखिएगा कि रेजिलियंस क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, ठीक है, और प्रूफ रेजिलियंस क्या है, मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड, और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, याद रहेगा। अब इसको वैल्यू क्या होता है ये भी लिख लीजिए, क्या होता है, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू वी अपॉन टू ई नॉर्मल मटेरियल के लिए, ठीक है ना, ये क्या होता है रेजिलियंस, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई हो जाएगा। यदि शियर स्ट्रेस की बात होगी तो क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर, कोई शियरिंग फोर्स लग रहा है तो टाउ स्क्वायर अपन क्या होता है 4c, ठीक है, जब शियर लोड लग रहा है तो, ठीक है, ये शियर मतलब क्या, टोर्सन, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है तो, ठीक है, सिर्फ शियर लग रहा हो तो, सिर्फ शियर लग रहा हो तो टाउ स्क्वायर अपन 2c होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज बहुत सारे टर्म देखे, ठीक है। अब इन सारे टर्म को दो मिनट में हम समराइज करके और अपनी राम कहानी समेटें, ठीक है। मशीन डिजाइन में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट सिंपल स्ट्रेस की हम बात करने वाले थे, तो अब लास्ट के दो मिनट में इसको समराइज कर लें, क्योंकि समराइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समेटना भी चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यदि समेटने के लिए चलते हैं तो हमने ये शुरू किया था कि कोई भी मशीन पार्ट से, मशीन कंपोनेंट से, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का होना तय है, लेकिन उसमें जो है किस टाइप का स्ट्रेस है, किस टाइप का स्ट्रेन है, यदि आप जानते हैं, उसको कैलकुलेट कर पाते हैं थ्योरेटिकली, तो हम लोग उसके फेल्यूर से बच पाते हैं। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हमने बताए थे। उसके बाद स्ट्रेस का हमने बताया था कि स्ट्रेस की शादी हुई, इसके तीन बच्चे, सिंपल स्ट्रेस, टोर्सनल एंड बेंडिंग, और तीसरा है वेरिएबल स्ट्रेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो पढ़ा वह सिंपल स्ट्रेस हमने ध्यान दिया, कौन कौन सा, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बियरिंग, थर्मल स्ट्रेस, इंपैक्ट स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जो है रेजिलियंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। अब इन सबको एक बार मैं आपको दिखा करके जो है, ये देखिए स्ट्रेस था हमारा, कि स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेस कैसे निकाले थे, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच रिलेशन बताए थे, ये हुक्स लॉ बताए थे आपको, ये व्हाट इज हुक्स लॉ, ठीक है ना, देखिए आपके सामने है, ठीक है। फिर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया आपका, क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गया, और चेंज इन लेंथ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन लेंथ अपन, चेंज इन लेंथ इक्वल टू पी एल अपन ए ई, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन, ठीक है ना, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, कहाँ पर ये लगता है, कैसे शियर स्ट्रेस, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी राम कहानी हमने आपको बताए थे। उसके बाद बियरिंग स्ट्रेस बताए थे कि बियरिंग स्ट्रेस कैसे काम करता है। उसके बाद आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताए थे, इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि मशीन डिजाइन में तो अलग से नहीं बताएंगे, हाँ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको अलग से हमने बताया है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, ठीक है, और इसी को हमने, इसी को टर्म में परसेंटेज रिडक्शन, जिससे कि डक्टिलिटी हम पता करते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज इलोंगेशन निकालते हैं। वर्किंग स्ट्रेस हमने आपको बताया, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने आपको बताए कि क्या होते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस या जो है, तो ये सारी चीज़ें बता करके, और डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसे निकालते हैं, ये हमने बताया। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फेल्यूर रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें फ्रिक्वेंटली फेल होना शुरू हो जाएंगी,
क्योंकि आप लोगों को कस्टमर को दैट मीन्स बताएंगे कि दो लोगों को बैठना है बाइक पे, वो बैठेंगे तीन लोग, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि बाइक ही खराब है। ठीक है, अपनी गलती कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनी गलती सिर्फ जो है बहुत बड़े कोई संत महात्मा या कोई बहुत हिम्मत वाला आदमी ही एक्सेप्ट करता है कि चलिए भाई क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई। हम लोग क्षमा मांगते हैं तो भी उसमें भी अहंकार छिपा होता है, ठीक ना। तो एनीवे, चूंकि लाइफ मैनेजमेंट पे हम नहीं जा रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट का एक अलग ही अपना चैनल है जीवन दर्शन नाम से, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, वो मेरा अपना पर्सनल चैनल है, ठीक ना। तो उसके बाद जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसके बाद जो है हमने पॉइजन रेशियो इंट्रोड्यूस किया था कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए थे। ठीक है, पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.25 से 0.33 होता है स्टील वगैरह के लिए, माइल्ड स्टील के लिए, ठीक ना, और 0.5 अदर कुछ मटेरियल्स हैं जो है उनके लिए होता है, ठीक ना। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, ठीक ना, कि जो है यहाँ पर तो आपका क्या हो गया अब कि लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, मतलब कि लीनियर में स्ट्रेन लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर ऑटोमेटिक घट रहा है, घट रहा है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर क्यूबिक में एक डायमेंशन, तीन डायमेंशन है तो एक डायमेंशन बढ़ेगा तो दो डायमेंशन घटेगा, ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया है। फिर बल्क मॉडुलस हमने आपको बताए थे, रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड यंग मॉडुलस बताए थे आपको, ठीक ना। ये बल्क मॉडुलस याद रखिएगा कि नॉर्म डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। फिर हमने आपको थर्मल स्ट्रेस बताए, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसी में सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन, हुप स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेन बताए, स्ट्रेसेस ऑफ द कंपोजिट बार बताए, ठीक ना, स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार बताए, ठीक है। फिर इम्पैक्ट स्ट्रेस, जिसको एक्सीडेंटल लोड बोलते हैं, इम्पैक्ट स्ट्रेस कैसे निकालते हैं ये बताए, और जाते जाते लास्ट में रेजिलियंस। और रेजिलियंस सिर्फ बताए ही नहीं, विपरीत सिचुएशन में, अपोजिट ओड सिचुएशन में आपके अंदर कितनी धैर्य रह पाता है ये भी रेजिलियंस है, ठीक ना, सहिष्णु जिसको बोलते हैं, ठीक ना, कि जब जो है ओड सिचुएशन होता है तो किसी आदमी को देखिएगा तुरंत क्रोधित हो जाएगा, तुरंत पगला जाएगा, तुरंत जो है वो कैसे कैसे करने लगेगा, जो वही जो है रेजिलियंट जो आदमी होता है, जिसके अंदर रेजिलियंस है, वो क्या करेगा, चीज़ों को शांति से जो है समाधान खोजेगा, ठीक ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, नट वी हैव टू बी एरोगेंट, ठीक ना। कुछ लोग एरोगेंट हो जाते हैं, ठीक ना, तो दैट इज नॉट द रेजिलियंस। रेजिलियंस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल एंड दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, एंड द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलियंस, एंड प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और इसका कुछ हमने फार्मूला भी बता दिया कि सिग्मा स्क्वायर वी अपन 2E को हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस, अब पर यूनिट वॉल्यूम निकाल देंगे तो सिग्मा स्क्वायर अपन 2E नॉर्मल स्टील नॉर्मल मटेरियल के लिए हो जाएगा। जब टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हैं, जब शियर स्ट्रेस लगाएंगे, टोर्सनल में ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, जब ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे तो टाउ स्क्वायर अपन 4C हो जाएगा, और सिंपल शियर स्ट्रेस यदि अब लगाएंगे इसके ऊपर शियर स्ट्रेस तो टाउ स्क्वायर अपन 2C होगा। तो दोस्तों ये था हमारा कुल मिला करके जो है काफ़ी सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़े, एंड आई होप कि दैट ऑल टॉपिक्स विल बी यूज्ड इन आवर मशीन डिजाइन, ठीक ना। मशीन डिजाइन में भी जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो काफ़ी सारे वीडियो हैं, और पूरे मशीन डिजाइन में ये सात तरह के जो मेन मेन हमने आपको स्ट्रेस बताए वो सारे स्ट्रेस आएंगे। एरिया भी हमने आपको बताया, जैसे बियरिंग में जो है ये प्रोजेक्टेड एरिया, और भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, बियरिंग एरिया, ये सब निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं हमको मशीन डिजाइन पढ़ने में जो जो है डिजाइन करेंगे, चाहे वो रिवेट ज्वाइंट हो, ठीक ना, या जो है वेल्डिंग ज्वाइंट हो, ठीक ना, या प्रेशर वेसल हो, ठीक ना, या नकल ज्वाइंट हो, जो भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग मशीन डिजाइन में, ठीक ना। मशीन डिजाइन में बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत टू मच, देयर इज
टू मच, चाहे वो पाइप ज्वाइंट हो, ठीक ना, प्रेशर वेसल हो, क्वार्टर नकल ज्वाइंट हो, की कपलिंग हो, साफ्ट हो, चेन ड्राइव हो, फ्लाई व्हील हो, सब जगह ये स्ट्रेस स्ट्रेन से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़े सिंपल स्ट्रेस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टोर्सनल एंड बेंडिंग स्ट्रेस, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेरिएबल स्ट्रेस। अभी देखिए एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसको समेट लें, जैसे आज समेटे हम, भले एक सवा घंटा का वीडियो रहा लेकिन सारी चीज़ें समेटने में आ गया, और वेरिएबल स्ट्रेस एक वीडियो में नहीं आएगा, कम से कम जो है 4 से 5 वीडियो में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।